नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मिलती है आपको बीएचयू एंट्रेंस से रिलेटेड जानकारी, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज। दोस्तों, कल जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट में गया कि बीएचयू वर्ल्ड की जो है बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, तो आप लोगों में से कई लोगों ने लगातार कमेंट किया, सर जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं दो बड़े अनाउंसमेंट बीएचयू वर्ल्ड का आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जो कि बीएचयू में वीटी के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि आप एग्जाम में बेहतर करें। हर हर महादेव आप सभी को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जिस ईश्वर की भी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और आप बेहतर से बेहतर अपने परीक्षा में करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो दो बड़े अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अनाउंसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे बीएचयू वर्ल्ड के कोर्स में, जो ऑनलाइन कोर्स में इनरोल्ड है, केवल उनके लिए है। जबकि जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो सभी लोगों के लिए है। आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या नहीं किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो सभी के लिए है। तो सबसे पहले देखिए, पहला अनाउंसमेंट जानिए। पहले अनाउंसमेंट ये है कि पिछले साल भी हम लोगों ने एंट्रेंस में एक प्राइज अमाउंट रखा था कि जो बच्चे रैंक 1 अचीव करके आएंगे, उनके लिए 5,000 रुपये का प्राइज हम लोगों ने रखा था। और बीए में हमारे ही कोर्स के अंकित कुमार ने रैंक 1 लाया और वो प्राइज भी वो ले गए। इस साल भी हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए एक प्राइज लेके। इस साल जो बच्चे किसी भी कोर्स में बीएचयू वर्ल्ड के इनरोल्ड हैं, ऑनलाइन कोर्स में इनरोल्ड हैं, और अगर वो अपने कोर्स में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वही बच्चे जो कि ऑनलाइन कोर्स में इनरोल्ड हैं, और अगर आप अपने एंट्रेंस में रैंक 1 लाते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे बीएससी एजी हो, बीएससी बायो हो, बीएससी मैथ्स हो, बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस हो, या आपका एलएलबी, बीएलएलबी, सीएचएस हो, या बीएससी नर्सिंग हो, कोई भी कोर्स हो, आप अगर रैंक 1 लाते हैं तो आपके लिए 10,001 रुपया इस बार इनाम घोषित किया जाता है। रैंक 1 आते ही आपको 10,001 रुपीज का कैश प्राइस जो है वो बीएचयू वर्ल्ड देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी रैंकिंग 2 से 10 के बीच में रहती है, 2 से 10 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग रहती है, तो आपको 2100 रुपये का प्राइज जो है वो बीएचयू वर्ल्ड देगा। और अगर आपकी रैंकिंग 11 से 20 तक रहती है, तो आपको बीएचयू वर्ल्ड 1100 का अमाउंट जो है कैश प्राइज वो देगा। तो आप जम के मेहनत करिए, ताकि आप ये प्राइज बीएचयू वर्ल्ड से जीत सके। और पिछले बार अंकित कुमार ने ये प्राइज लिया भी था। अब आते हैं दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट जो सभी बच्चों के लिए है, वो ये है कि आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला था 19 को, 20 को और 21 को। 19 को होने वाला था आपका बीएससी एजी का, 20 को होने वाला था बीएससी मैथ्स और बायो का, और 21 को होने वाला था बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस का। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना इसी डेट में एक आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि आपको लगे कि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और अपने आप को आप जज कर सकें। ये तो बाय लक हुआ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, लेकिन मान लीजिए अगर टाइम नहीं मिलता तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते थे। इसके लिए हमने एक मेगा टेस्ट का आयोजन करने जा रहे हैं। ये मेगा टेस्ट कोई भी बच्चा दे सकता है जो हमारे ऑनलाइन कोर्स में इनरोल्ड है, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग लीजिए कि अगर इसी डेट में एग्जाम हो जाता तो वो आपकी स्थिति क्या होती है। दो परिणाम होंगे। अगर आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आता है तो आप रैंकिंग के लिए प्रयास करिए, लगातार मेहनत करिए कि आप एक अच्छा रैंक ला सकें। और दूसरी बात, अगर रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आता है, अच्छा नहीं आ पाता है, तो आपके लिए एक मौका दिया ईश्वर ने कि आप जम के मेहनत करिए, ताबड़तोड़ मेहनत करिए, और इस स्थिति से उठ के एक अच्छे स्थिति में जाइए। तो एक माहौल बनाने का हमारा प्रयास है आप लोगों के लिए, एक एनवायरमेंट क्रिएट करने का प्रयास है, ताकि आप अच्छे से टेस्ट में अपीयर हो सके। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट ही होना है इस बार वाराणसी केंद्र को छोड़ के, तो अभी तो क्लियर है नहीं किनका ऑनलाइन होगा किनका ऑफलाइन होगा, लेकिन आप प्रयास करके चलिए कि ऑनलाइन जो है उसमें कोई समस्या नहीं है। इसीलिए लगातार हम लोग जो टेस्ट की प्रैक्टिस आपसे करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपके मन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, साथ ही आप किस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो है किस कोर्स में आ रहे हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं
कि जो भी लोग इस मेगा टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट लेने वाले हैं, आप मान के चलिएगा कि बिल्कुल और बिल्कुल आप एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी अनफेयर मीन्स यूज मत करिएगा जो कई बच्चे पिछले टेस्ट में किए, क्योंकि यहां कोई प्राइज नहीं है इसमें। ये बस और बस आपके लिए जज, आपको खुद को जज करने के लिए किया जा रहा है। और जो बच्चे हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनको तो सख्त हिदायत है कि आप सभी लोग इसमें बैठेंगे और आपके लिए कंपलसरी है आप बैठेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी हुई। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज के साथ, नई नई जानकारी के साथ। आप तब तक के लिए BHUL के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHUL के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप टेस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जितने भी लोगों ने ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज के पोर्टल पर आकर अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर करा चुके हैं, वो किसी भी टेस्ट के लिए अगर कराए हैं तो वो हमारे उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको सीधे कोर्स में इनरोल्ड होना है, और वो कैसे होना वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने आज तक कभी भी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनकी ईमेल आईडी हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है BHUL.com उस पर चले जाइए। जैसे आप BHUL.com डालेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई यही चीज लैपटॉप से करता है, तो अगर यहां पर हम लोग क्रोम में डेस्कटॉप साइट कर देते हैं, तो ये जैसा ओपन होकर आ रहा है ऐसा आपको लैपटॉप में दिखेगा, ठीक है। तो लैपटॉप और मोबाइल में कोई ऐसा डिफरेंस की बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहां पर देखेंगे अगर टॉप में आपको यहां पर टेस्ट सीरीज दिख रहा होगा, आप सबसे पहले इस टेस्ट सीरीज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहां पर देखिए टॉप में आपको तीन लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। मोबाइल में इस तरीके से आपको तीन लाइंस दिखेंगे, और अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ही लॉगिन का ऑप्शन जो है वो टॉप पर यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम मोबाइल में ही करते हैं, तो देखिए यहां पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आ गया। अब देखिए, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पहले कभी रजिस्टर करा लिया है किसी भी टेस्ट के लिए, वो तो डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी डालें और वो पासवर्ड जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाया था, ठीक है। अपने ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं डालना, आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आपने बनाया था साइन अप के टाइम पे, वो आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करके लॉगिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहली बार यूजर है हमारे पोर्टल पे, पहली बार आए हैं, उनको अपनी ईमेल आईडी पहले रजिस्टर्ड करानी होगी। उसके लिए क्या करना है, आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स जो हैं वो मांगी जा रही हैं। इसमें देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड होनी है। आपको एक वैलिड ईमेल आईडी यूज करना है, मतलब जो ईमेल आईडी आपके यूज में हो, क्योंकि आप जो भी ईमेल आईडी इंटर करेंगे उस ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है कि आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है, उस वेरिफिकेशन कोड को इंटर करके आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। तो एक वैलिड ईमेल आईडी ही इंटर करेंगे, बाकी आप यहां पर देखिए आपको पासवर्ड में आप कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बस उसको याद रखिएगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम पर जब भी हमारे पोर्टल पे आएंगे लॉगिन करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी यहां पर डाले रहेंगे और जो यहां पर आप पासवर्ड बनाए रहेंगे उसी से आपका लॉगिन होगा, ठीक है। बाकी जो भी यहां पूछ रहा है जैसे कैटेगरी, जेंडर और ये सब चीजें, आप यहां पर बेसिक डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब देखिए मैं डिटेल्स फिल करके दिखाता हूं आगे कैसे क्या दिखेगा। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर डिटेल्स फिल कर लिया है, तो इस तरीके से आप डिटेल्स फिल करने के बाद यहां पर साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे। जो यहां पर आपको साइन अप दिख रहा है इस पे आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। बस ये होगा कि एक बार आपकी ईमेल आईडी अब वेरीफाई करी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब देखिए, अब आप यहां पर नीचे आएंगे और यहां पर देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि यहां पर जैसे आपको टेस्ट सीरीज के ऑप्शन दिखेंगे, जो कि हमारी पेड टेस्ट सीरीज है,
उसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है, और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जान लीजिएगा कि पेड टेस्ट सीरीज हमारी क्या है। अब देखिए, जो आपको आज अनाउंस किया गया है मेगा टेस्ट के बारे में, अब यहां पर देखिए मेगा टेस्ट, यहां पर आपको कोर्सेस शो कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया जिन जिन कोर्सेस के एग्जाम होने हैं उन उन कोर्सेज यहां पर आपके शो कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जिस भी कोर्स का एग्जाम देना है, जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड होना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में एनरोल्ड होना चाहता हूं, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां पर देखिए फ्री का ऑप्शन आ रहा है, आप क्या करिए, बस सीधे इस फ्री पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जो नए यूजर्स होंगे उनकी ईमेल आईडी वेरीफाई की जाएगी, तो वही यहां पर ऑप्शन आ गया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर सेंड कोड जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी सेंड कोड पर जो है आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता दिया जाएगा कि एक 5 डिजिट का कोड है जो कि आपकी ईमेल आईडी में भेजा जा चुका है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा एक बात, तो आप यहां क्या करेंगे, जैसे ही अपना जीमेल ओपन करेंगे तो देखेंगे कि आपको यहां पर बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन क्लास से एक मेल आया होगा। आप अगर मेल ओपन करेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके से यहां पर कोड जो है आपको दिख जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप अपना जीमेल ओपन करें तो वहां पर आपको इनबॉक्स में ही मिल जाए, बहुत सारे अदर फोल्डर्स भी होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्पैम है, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोल्डर है, ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, किसी और फोल्डर में भी आपका मेल जा सकता है, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे, इनबॉक्स में भी चेक करेंगे, बाकी स्पैम और जो अदर फोल्डर्स हैं उसमें भी चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना कोड जो यहाँ पर आपको दिया गया है उसको आप इंटर कर लीजिए। जैसे ही आप यहां पर अपना कोड इंटर करते हैं, आपका क्या होगा, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा और आप कोर्स में एनरोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहां पर आप माई कोर्सेज में जाते हैं तो देखेंगे कि आपको यहां पर आपका कोर्स जो है वो शो करेगा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, जिनको सिर्फ कोर्स में एनरोल्ड होना है, जिनकी ईमेल आईडी पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुकी है, उनको सिंपली वही जो जहां मैं सीधे गया था कोर्स पे, वहां कोर्स में जाइए, जहां पर मेगा टेस्ट लिखा था, मेगा टेस्ट में जिस भी कोर्स में जाना आप जाइए और वहां पर फ्री पे क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट ही कोर्स में एनरोल्ड हो जाएंगे, आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप सिंपली पोर्टल पर आइए, लॉग इन करिए और कोर्स में जाके फ्री पे क्लिक करके कोर्स में एनरोल्ड हो जाइए, ठीक है। अब यहां पर आप मान लीजिए इस कोर्स को ओपन करते हैं तो देखिए यहां पर स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, और ये तब काम करेगा जब आप जिस दिन टेस्ट होगा आपका, उस दिन जब आप टेस्ट में अटेम्प्ट करने जाएंगे तब यह आपका एक्टिव होगा, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं 3 लाइंस ऊपर दिख रही, जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए मेगा टेस्ट जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, आपके टेस्ट दिख रहे हैं। तो जैसे ये बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है तो उसमें सभी लोग जानते हैं कि मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री आपका जो है वो कंपलसरी है, वो तीनों में दिख रहा है। जो भी आपको अटेम्प्ट करना हो, मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर अगर अटेम्प्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख जाएगा कि आपका जो टेस्ट है ये 19 मई को 9 बजे स्टार्ट होगा, जैसा कि आपका जिस दिन टेस्ट है उसी दिन आपका ये टेस्ट स्टार्ट भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आप रजिस्टर्ड हो गए, एनरोल्ड भी हो गए, अब अगर मान लीजिए आप कभी फ्यूचर में कभी भी विजिट करते हैं, मान लीजिए जिस दिन आपका टेस्ट होता है उस दिन जब आप मान लीजिए विजिट करते हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको उस दिन सिंपली क्या करना है कि आप पहले हमारे वेबसाइट पे आइए bhuworld.com, फिर वहां पर सीधे आप टेस्ट सीरीज में आइए। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पे आते हैं तो देखिए, अगर आपने एक बार लॉगिन किया हुआ है तो आपको बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए माई कोर्सेज शो कर रहा है, माई कोर्सेज में वो कोर्सेज आपके शो करते हैं जो कोर्स के लिए आपने एनरोलमेंट लिया हुआ है। तो यहां पर माई कोर्सेज में जाइए, माई कोर्सेज में आपका कोर्स दिखेगा तो सीधे इस कोर्स पे क्लिक करिए, और जैसा कि मैंने आगे बताया स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद
आपका कुछ जो होगा वो स्टार्ट होगा जिस दिन आपका टेस्ट ओपन होना होगा, ठीक है। जिस दिन भी आपका टेस्ट शेड्यूल्ड था पहले बीएचयू के द्वारा, उसी दिन आपका वो टेस्ट, उसी टाइम पर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये रही बात, और जो लोग पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं उनको कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर कोर्स पे जाइए, फ्री पे क्लिक करिए, आप सिंपली इनरोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो और बाकी अगर आपको ये देखना है कि हमारा टेस्ट दिखता कैसे है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे जा चुकी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।